دستورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه الجليلة دعائم الفضيلة ويا الشهادتان كعيدة الإيمان والصوم والصلاة وحج والزكاة. Our God is the Quran, our religion is Islam. Five noble pillars upholding what is virtuous. To make the testimony is the base of the faith and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. سلام. جعلنا السلام شعارا لنا وباسم السلام التقينا هنا لتجعل يا رب أيامنا على هذه الأرض بشرى السلام. Peaceful peace. We made peace a symbol of ours. In the name of peace we gather here now. Oh Lord, please make these days of ours on this earth filled with peace. وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إسلامي بھائیو، عزیزو، نوجوانو، عزیز دارانی مرکز، अल्लाह ताला की तारीफ व तौसीफ के बाद मैंने कुरान मजीद की सूरह निसा की एक आयत करीमा मैंने तिलावत फरमाई। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, ऐ मोमिनो अल्लाह ताला से डरो जैसे अल्लाह ताला से डरने का हक है। अल्लाह ताला की नेमतों को तुम पर याद करो। कुंतुम अदाअन, जबकि तुम दुश्मन थे। तअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत व उल्फत को डाल दिया। فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اس آیت میں سب سے پہلی بات غور و فکر کرنے کی یہ ہے, جہاں کہیں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو
अल्लाह से डरने और अल्लाह का खौफ अपने दिल में बसाने का हुक्म दिया। लेकिन खास तौर पर इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन इशारा फरमाता है, अल्लाह से डरो ही नहीं, बल्कि अल्लाह ताला से जैसे डरना है वैसे डरो। सबसे पहली बात मैं बताना जरूरी समझूंगा, जब तक हमारे दिलों में तक़वा नहीं पैदा होगा, जब तक अल्लाह ताला का डर और खौफ हमारे दिल में पैदा नहीं होगा, याद रखें ना हमारे दिल मिल सकते हैं, ना हमारे दिल एक हो सकते हैं, ना हम आपस में इत्तेहाद कायम कर सकते हैं। हिदायत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो अहम बात बतलाई वो यही है कि अल्लाह ताला का तक़वा और डर पैदा करो अपने दिलों में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तक़वे की अहमियत और फजीलत को अहादीस के अल्फाज में यूं बयान फरमाया, तक़वा हा हुना, तक़वा हा हुना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ की उंगली से इशारा करते हुए सीने की तरफ सहाबा इकराम से कहा, तक़वा हा हुना, तक़वा हा हुना। तक़वा दिलों में होता है, तक़वा सीनों में होता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया। इमाम नवी रहमतुल्लाह अलैह तक़वे की तारीफ यूं बयान फरमाते हैं, तक़वा ये है कि इंसान ऐसे कामों से बचे जिसमें अल्लाह ताला की नाराजगी हो और जिसके अंदर जहन्नम की वईद सुनाई गई हो, जहन्नम की सख्त सजाएं सुनाई गई हो, कहा कि ये तक़वा है। मिसाल के तौर पर देखें, तक़वे के ताल्लुक से बहुत सी बातें हमारे सामने आती हैं। यहाँ पर मैं बतलाना जरूर समझूंगा कि हम जो थोड़ी सी जमात है, गिनती के लोग हैं, अक्सर जहाँ के हालात हमारे बहुत ही दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, हम कुरान और हदीस के मानने वाले, अखलाक के अकवाल की पाबंदी हमारे दरमियान है, लेकिन हमारे जमात के हालात हर जगह खुद अपनों में बैठकर पिटकर बिस्तर हो रहे हैं। इस आयत में अल्लाह ताला ने एक खास नुक्ता बयान फरमाया, कहा कि जब तक तुम्हारे दिलों में अल्लाह का तक़वा और डर पैदा नहीं होगा, अल्लाह ताला ने कहा कि तुम आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक से नहीं रह सकते। आपस में मिलजुल कर रहना चाहते हो, तुम्हारी ताकत को मजबूत कराना चाहते हो, आपस में मोहब्बत और उल्फत को पैदा करना चाहते हो, अल्लाह ताला ने इसके लिए शर्त बतलाई कि तुम्हारे दिलों में अल्लाह का तक़वा। जब अल्लाह का तक़वा आएगा, दिल एक होंगे, सारे दिल मिलेंगे, आपस में मुसलमानों के इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा होगा। अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में इस बात को इशारा फरमाया। अल्लाह ताला ने तक़वे की बुनियाद खास तौर पर आदमी के हलाल और हराम पर रखी गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इस बात को वादे फरमाया, जिस आदमी का जिक्र किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आदमी लंबा सफर करते हुए उसके बाल बिखरे हुए हैं, बड़ा गंदा बाल है, लंबे सफर में है और अल्लाह ताला से सफर की हालत में दुआ करता है, अरे अल्लाह मुझे ये दे, अरे अल्लाह मुझे वो दे, अरे अल्लाह मेरी जरूरियात को पूरा करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये आदमी लंबे सफर में तो है, दुआ तो कर रहा है, मुख्तलिफ जरूरियात को अल्लाह ताला से मांग रहा है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं, मतअमुहु हराम, इसका खाना हराम है, वबशरतुहु हराम,
उसका पीना हराम है, वल्बसुहु हराम उसका पहनना हराम है। आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हदीस में आगे अल्फाज को यूं बयान फरमाया, यहाँ तक के हर चीज उसकी हराम माल से पलती है तो अल्लाह ताला कैसे उसकी दुआओं को कबूल फरमाएगा। अगर हमारी दुआएं अल्लाह के दरबार में कबूल होना चाहते हैं तो उसके लिए शर्त लगाई गई कि हमारे रोजी रोटी के कमाने के तरीके हलाल हो। यही तकवा बताया गया, जिस आदमी की रोटी रोटी कारोबार बिजनेस हलाल के है तो याद रखें अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी दुआओं को कबूल फरमाता है। जिस आदमी की रोटी रोजी हराम तरीके से होती हो, हराम तरीके से उसका बिजनेस है, उसके घर वाले हराम माल से पेट भरते हैं, उसके सारे रिश्तेदार हराम माल खाते हैं तो याद रखें अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों की दुआओं को इबादत को कबूल नहीं फरमाएगा। कबूल की बड़ी अहमियत को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा। आज लोग बहुत सी शिकायतें करते हैं, कहते हैं कि आज कौन सा बिजनेस अपनाएंगे, कौन सा कारोबार करेंगे, कौन सा तिजारत करेंगे, हर जगह हराम ही हराम है, किसी ना किसी किस्म का कनेक्शन है, ताल्लुक है, कुछ ना कुछ हराम कमाई लगती है, आज नामुमकिन सी बात है। बहुत से लोगों का गिला और शिकवा ये होता है, लेकिन याद रखें ऐसे पुरनाजुक खतरनाक हालात में कितने के दौर में भी जो आदमी तकवे को मजबूत रखेगा, तकवे पर चलेगा, अल्लाह ताला ने उसके लिए खुशखबरी सुनाई, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा। अल्लाह ताला ने कहा जो अल्लाह ताला से डर कर जिंदगी गुजारता है, जो अल्लाह ताला से डरता है हर चीज में, कारोबार में, मामलात में, अखलाक में, हर चीज में अल्लाह ताला से डर कर जिंदगी गुजारता है, यजअल लहू मखरजा, अल्लाह ताला उसके लिए रास्ता निकाल देता है। ये अल्लाह ताला ने कुरान में वादे फरमाए हैं। आदमी कोशिश करे तो अल्लाह ताला जरूर उसके लिए कोई रास्ता हमवार करेगा, आसान बनाएगा, बिजनेस और तिजारत और कारोबार के रास्ते उसके लिए आसान बनाए जाएंगे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में तकवे की अहमियत को बतलाते हुए कहा, वलौ अन्न अहलल कुरा आमनु वत्तकौ लफतहना अलैहिम बरकातिन मिनस समा। अल्लाह ताला ने कहा अगर ये बस्ती वाले, अगर ये गांव वाले तकवे को अपनाते, उनके दिल में अल्लाह का डर होता, खौफ होता, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, आमनु वत्तकौ लफतहना, ईमान लाने के बाद तकवा उनके दिल में आ जाता, लफतहना अलैहिम बरकातिन मिनस समा, आसमान से बरकत के दरवाजों को हम खोल देते। हाँ तो देखिए तकवा जितना लोगों में होगा अल्लाह की बरकतें उसी कदर नाजिल होगी दुनिया के अंदर, जितना तकवे की कमी होगी अल्लाह ताला की मुसीबतें परेशानियां और अजाबात का नुज़ूल होगा। जिक्र करने की जरूरत नहीं है जो आज के हमारे सामने के हालात है, जो बरगार जैसी हालत हमारे सामने आई है, ये भी तकवे की कमी की बुनियाद पर है। आगे में इकराम तारीख का जायजा ले, कुफार कुरैश और सहाबाए कराम ईमान लाने से पहले उनके जो हालात थे, हम जानते हैं कि कुफार कुरैश, सरदारान कुरैश ये भी तवाफ का, ये भी खाने काबा का तवाफ किया करते थे, लेकिन नंगे किया करते थे, लेकिन इनके यहाँ भी खाने काबा की इज्जत थी, एहतराम था। लेकिन याद रखें जब ये खाने काबा का तवाफ कर रहे होते, अगर किसी का चप्पल दूसरे आदमी से लग जाता या किसी की चादर किसी दूसरे आदमी से लग जाती, मामूली सी बात पर खून खराबा और बड़ी बड़ी जंगें होती थी। यही सहाबा इकराम और कुफार कुरैश है जिन्हें कुफार कुरैश कहा गया इस्लाम लाने से पहले, मामूली मामूली बात चप्पल की लगने की वजह से या ये दंगे ऐसी होती
कि एक दूसरे को वसीयत करके आदमी मरता कि मेरे बाद तुम फला का बदला लेना। यहाँ तक के कई किस्तों में ये जंगे जारी रहती। आज का ये हाल सहाबा इकराम का इस्लाम लाने से पहले, एक दूसरे के दुश्मन, एक दूसरे के खून के प्यासे, एक को एक से बनती नहीं, एक को एक से दुश्मनी, मुख्तलिफ बुराइयां अखलाक की यही सहाबा इकराम में थी। लेकिन याद रखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें तकवे की बात बतलाई, ईमान की बात बतलाई। जब इनका ईमान मजबूत हुआ, इनके दिलों में तकवा आया, यही सहाबा इकराम जो इस्लाम लाने से पहले एक दूसरे के जान के प्यासे से, खून के प्यासे से मामूली सी मामूली बात पर लड़ाइयां झगड़े हुआ करते थे, यही सहाबा इकराम के हालात को हम देखते हैं कि दिल में जैसे ही तकवा आता है, अपने मुसलमान भाई के लिए नर्म और नाजुक बन जाता है। गौरव इसी बात की है हमारे जनाब के अंदर, हमारे दिलों में सबसे पहले अल्लाह का तकवा हो, डर हो, तो सारी चीजें मुमकिन होंगी। जब तक अल्लाह का डर और तकवा ना होगा, तो याद रखें हम बजाहर ऊपरी तौर पर देश को बन सकते हैं, लेकिन याद रखें अंदरूनी तौर पर हमारे दिल एक नहीं बन सकते और किसी किस्म का काम कामयाब नहीं होगा। जैसा कि तारीख में ये बात हमें मालूम होती है कि हम तो हजरत, हम तो हजरत कौन थे? जो बस्तियां थी, बड़े कबीले थे, जो बड़े खानदान थे, मामूली मामूली बातों पर कई सालों तक जंगें इनके दरमियान होती थी। आप और हजरत एक दूसरे के खून के प्यासे, एक को दूसरे से बनती नहीं, एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन नहीं। वो अभी ऐसे थे कि मामूली मामूली बात पर खून खराबा इनके दरमियान आम था। कुरान ने इन दो कबीलों के ताल्लुक से कहा, अगर इन पर एक पहाड़ के बराबर सोना भी खर्च कर दिया जाता, इन दो कबीलों को मिलाने के लिए, आपस में एक करने के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि सारा का सारा एक पहाड़ सोना बेकार है, लेकिन ये मिलने के लिए एक एकजुट होने के लिए तैयार नहीं होते थे। ये और तो हजरत के हालात को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इशारा फरमाया। यही वजह है हम देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनका वाकया नकल फरमाया कुरान मजीद में। और तो हजरत की दुश्मनी के ताल्लुक से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें तरबियत दी, इन्हें ईमान की बात बतलाई। इनका ईमान जब मजबूत हुआ, जब उनके दिल में अल्लाह का डर और खौफ पैदा हुआ, यही और तो हजरत मामूली मामूली बात पर लड़ने झगड़ने वाले, आपस में एक दूसरे के भाई और नर्म और नाजुक मामला करने वाले बन गए। यही वजह है हमारे दरमियान भी तकवा जब तक नहीं आएगा, मैं कहूंगा कि कोई भी बात हमारी नहीं बनेगी। जाहिर में तो हम कामयाब बन सकते हैं लोगों के नजर में, लेकिन जो हमारा दीनी फायदा, जो हमारा अहम मकसद, अहम मकसद है तौहीद की इशाद, उस इशाद में हमें कामयाबी नहीं मिल सकती। अगर कामयाबी से हम किनार होना चाहते हैं, तो अल्लाह ने इस आयत करीमा में फरमाया कि अल्लाह का तकवा तुम्हारे दिलों में हो। हम देखते हैं कि एक दूसरे के दुश्मनों के दिलों में जब अल्लाह का तकवा और डर आया, तो ये भाई भाई बन गए। तो जरूरत इस बात की है कि हम हमारे दिलों में अल्लाह का तकवा और डर पैदा करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, यहूद और नसारा के नक्शे कदम पर मत चलना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत मुस्लिमा को तालीम दी, इन यहूद और नसारा के नक्शे कदम पर मत चलना, उनकी इत्तिबा मत करना। क्यों? यहूद 71 फिरके में बढ़ गए, नसारा 72 फिरके में बढ़ गए,
और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के ताल्लुक से क्या फरमाया, ये उम्मत एक कदम आगे बढ़कर कितने फिरकों में, कितनी टोलियों में, कितनी जमातों में अलग हो जाएगी। 73 फिरकों में, 73 फिरकों में, जमातों में बढ़ जाएगी, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया कि ये उम्मत मुस्लिमा जिसे हम कुरान और हदीस के बालों कहते हैं, मुस्तबे कहते हैं, और इन लोगों के सामने से फरमाया गया यहूद नसारा के एक एक चीज पर वो अमल करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर मेरे, अगर यहूद नसारा गोल के दिल में घुस जाए, मेरी उम्मत भी उस दिल में घुसने की कोशिश करेगी बल्कि उसमें घुस जाएगी। यह वो नसारा की इत्तेबा आज हम कर रहे हैं। हिदायत में अल्लाह ताला ने क्या कहा, वाहतसिमु बिहब्लिल्लाह जमीअ वला तफर्रकु। कुरान और हदीस को मजबूती से थाम लो। कुरान में जो बातें बयान की गई हैं, हदीस में जो तालीमा की गई हैं, उन पर अमल पैरा रहोगे, उन पर अमल करोगे तो हमारे आपस में फिरकाबंदी इंतिशार नहीं होगा। अल्लाह ने कजी मुसाइद के मन बयान फरमाया, अगर तुम कुरान हदीस पर अमल करना छोड़ दोगे, वला तो सफरना को कहा तो अलग अलग मत होना, जमात में गिरोह बंदियां मत बनाना, टुकड़ियों में ना बटना, ये अल्लाह ताला ने आयत करीमा में वादे फरमाया। आज हमारे जो हालात है अक्सर कुरान मजीद उसका नक्शा यूं खींचता है, तहसर हम जमीहा या उलूब हम सकता है,